कॉन्ग्रेचुलेशंस, हॉस्टेजेस आ गया, रिलीज हो गया. कितनी एक्साइटेड हो श्वेता आप? बहुत एक्साइटेड हूँ. वी आर गेटिंग ग्रेट रिव्यूज. इट्स बीन क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड वंस अगेन जस्ट लाइक द सीजन वन, सीजन टू भी काफी पॉपुलर हुआ है. एंड आई बीन गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल्स, लॉट्स ऑफ मैसेजेस, लॉट्स ऑफ फैन मेल्स, जो हमारे डायरेक्ट मैसेजेस होते हैं सोशल मीडिया में, कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं. इट फील्स ग्रेट. इट्स माई फर्स्ट वेब सीरीज और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी टीम है. And I'm just very happy and grateful to the audience. क्या बात है. Hostages One आपने पूरा follow किया था जब आई थी, रिलीज हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल. In fact, I was a huge fan of, I am a huge fan of Hostages One. और मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफी exciting लगा था. And as an audience, I was looking forward to Hostages Two. और ऐसा हुआ कि फिर मुझे Hostages Two के लिए offer आया audition के लिए, तो मैंने audition किया और फिर मुझे किरदार मिला. And I'm very grateful to the makers for approaching me for this. श्वेता मुझे एक चीज पूछनी थी. आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप इतना कम क्यों दिखती हैं स्क्रीन पे? मतलब वी ऑल आर डाइंग टू सी. ऐसा नहीं है ऋचा जी, थैंक यू सो मच ऋचा जी, लेकिन ऐसा नहीं है. एक्चुअली मेरे इस साल ना 5 प्रोजेक्ट रिलीज हो रहे हैं. शुक्रानो Z5 की फिल्म फेब्रुवरी में रिलीज हुई थी, अब हॉस्टेजेस है. अगले 21 अक्टूबर को साकिब सलीम के साथ जो मैंने Z5 की फिल्म की है, कॉमेडी कपल, वो रिलीज हो रही है. बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन मेरे काफी रिलीजेस पोस्टपोन हो गए. जो वैसे अप्रैल मई को होने वाले थे उनका पोस्ट प्रोडक्शन थोड़ा सा रुक गया, और काफी जो मेरे दूसरे फिल्म्स भी उनका रिलीज पुश हो गया. और मेरी कई सारी प्रोजेक्ट जिनकी शूट होने वाली थी वो सब एंड ऑफ द ईयर या अर्ली नेक्स्ट ईयर पे चले गए हैं. बट देखिए काम मिलेगा तो करेंगे. पिछले साल ताशकंद फाइल्स आई थी और उसके बाद मुझे कई सारे ऑफर्स मिले. उसके पहले मुझे ऐसे खास कोई ऑफर्स मिल नहीं रहे थे, मतलब यहाँ वहाँ छोटे रोल्स. आई मीन एज एन एक्टर मैं किसी भी रोल को छोटा नहीं कहूंगी. आई थिंक आपके पास अगर एक भी सीन हो आप उसमें भी कमाल कर सकते हैं. अगर आप में क्षमता हो तो आप एक सीन का भी काम कर सकते हैं, वो बात नहीं है. लेकिन सिर्फ वही अगर मिलने लगे तो फिर प्रॉब्लम है. सो नाउ बिकॉज ऑफ OTT मुझे बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और जैसे जैसे काम मिलता जाएगा मैं जरूर करती जाऊंगी. एंड वैसे मैं थोड़ी लो प्रोफाइल रहती हूँ तो आप शायद मुझे थोड़ा कम मीडिया में देखते हैं. हमने वही नोटिस किया है कि आप बहुत कम दिखते हो, जबकि आप एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हो श्वेता, और बहुत नेचुरल एक्टिंग करते हो आप. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे एक्टर्स बहुत रेयरली मिलते हैं. स्टारडम तो आजकल बहुत है, बट आजकल देखा जा रहा है एक्टर्स कंटेंट्स की सारी चीजें ज्यादा मैटर करती है रादर देन बिग स्टार्स एंड बिग डायरेक्टर्स एंड ऑल. तो एंड श्वेता कैसे कैसे रोल्स आप पसंद करते हो? बिकॉज हमने आपको जितने भी रोल्स में देखा है दे ऑल आर वेरी डिफरेंट विद ईच अदर. तो आपको ऐसे कैसे रोल्स ज्यादा पसंद आते हैं, या क्या होता है आपका सिलेक्शन बेसिस रोल का? रिचा जी ऐसा है कि मैं हूँ फिल्म बफ, और मैं जिस परिवार में बड़ी हुई हूँ हमारे यहाँ आई ग्रोन अप इन अ वेरी कल्चर्ड एनवायरमेंट. मेरे पापा थिएटर से हैं, ही इज अ सिविल इंजीनियर, लेकिन उन्होंने एक्टिंग और डायरेक्शन का डिप्लोमा किया है और उनका खुद का थिएटर कंपनी है. मेरी मॉम शी लर्न्स म्यूजिक, शी इज अ राइटर. सो एंड माय फैमिली इज अ फिल्म बफ, उन्हें किताबों का, म्यूजिक का, फिल्मों का काफी शौक है. तो मैं बड़ी हुई हूँ बहुत सारे वर्ल्ड सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, श्याम बेनेगल की फिल्में, बिमल रॉय रे की फिल्में. मेरे पसंदीदा डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी हैं, और मुझे वैसी फिल्में बहुत पसंद है. मुझे किसलोवस्की की फिल्में पसंद है, अजहर फरहादी की, ईरानी फिल्में पसंद है. तो मैं किरदार वैसे करना चाहती हूँ जैसे मैं फिल्म देखती हूँ, जैसे मैं किताबें पढ़ती हूँ, मुझे वो पसंद है. बट मेनली एज एन एक्टर देखिए आप हमेशा हम ये क्रिएटिव काम करते हैं इसीलिए ताकि हम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट कर पाए, अलग अलग जिंदगियों को जी पाए. बिकॉज एवरी कैरेक्टर इज अ डिफरेंट लाइफ दैट यू आर लिविंग. अभी हॉस्टेजेस में मैंने इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर का काम किया है, तो चंद्र नंदिनी मैं एक टेलीविजन शो करती थी जो माइथोलॉजिकल था. आई वाज प्लेइंग अ वॉरियर प्रिंसेस. ताशकंद फाइल्स में रिपोर्टर है. अभी मेरी फिल्म आ रही है कॉमेडी कपल, जिसमें मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ. तो मेरे लिए हमेशा उत्साह तभी होता है, आई गेट वेरी एक्साइटेड, जब बहुत ही अलग किरदार मिले जो मैंने पहले कभी नहीं किया हो. बिकॉज एज अ पर्सन आई डिस्कवर समथिंग न्यू, आई पुश माई लिमिट्स. और ऐसे इमोशंस जब आप शॉट कर रहे हैं ना, आप एक्टिंग कर रहे हैं, स्लोली स्पॉन्टेनियस आप करते हैं, तो एक ऐसा इमोशन आप डिस्कवर करते हैं जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता होता. सो फॉर मी, मेरे लिए हमेशा किरदार जो नए हो, एक्साइटिंग हो, फ्रेश हो, रिलेटेबल हो, और अच्छी स्टोरीज हो, आई थिंक
सबकी कहानियां इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बिकॉज ऑडियंस चाहे जितना भी मेकअप और सॉन्ग्स और वो देखने के लिए आकर्षित चाहे वो ही करे, लेकिन हमेशा आपके पास रह जाती है अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे किरदार और अच्छी स्टोरीज, आप उसी के बारे में बाद में जाके डिस्कस करते हैं। जो किरदार है शिखा वो मेरी बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं एक्चुअली बहुत ही काम, सिंपल और बहुत ही बोरिंग लड़की हूँ, और शिखा जो है शी इज आई मीन देयर आर थिंग्स दैट आई रिलेट टू हर, वो काफी डिलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, बट as a person she is very different, you know, she is very fierce aur aise gaali galoch de deti hai, to mujhe wo bada interesting laga kyunki maine aise kirdaar dekhe hain life mein aur ek do cheeze jo shikha karti hai wo main khud karti hu, lekin aisi bahut sari cheeze jo main discover kar sakti thi, to mujhe bada interesting laga wo jis tarah se you know ekdam she is crazy about her work, mujhe bada laga, bahut hi aise hote hain characters। एक्चुअली ये जो जब से 2020 आया आपको पता है एक बहुत सैड सा फेज चल रहा है, बहुत डिप्रेसिव फेज चल रहा है, आप कैसे लेते हो शिविता इन सबको, और आप कितना पॉजिटिव और कैसे एनर्जेटिक रखते हो खुद को इस टाइम पर? आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और मुझे इनफैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही ज्यादा पसंद है, रहना या काम करना, टीम, दोस्त, फैमिली हमेशा। यार मैं ये कहना चाहूंगी, आई नो 2020 हैज बीन अ वेरी टफ ईयर फॉर अ लॉट ऑफ अस, बट पर्सनली मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा साल रहा है, इट्स बीन अ ग्रेट ईयर ऑफ ग्रोथ, इट्स बीन अ ग्रेट ईयर ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, डिस्कवरी, वेरी प्रोडक्टिव, एंड आई नो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू से दिस, क्योंकि मैं घर पे सुकून में रही, खाने पीने का, बिल्स का टेंशन नहीं था, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम, और जितना अपनी तरफ से मैं कर पाई मैंने किया, मैंने अपने जो स्टाफ है उनके जितना ज्यादा उनका उनके बच्चों के स्कूल फीस, बिल्स जो हो सकता था उसको मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी दोनों जो मेरी स्टाफ है उनके बच्चों की फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कंटिन्यूसली पेइंग देम सैलरी एवरी मंथ, प्लस जो डोनेशन कर सकती थी, आई थिंक हम सब अगर जितना भी अफोर्ड कर सके उतना अगर हम कॉन्ट्रीब्यूट करें तो अच्छा होता है। बाकी मैंने बहुत सारी फिल्में देखी रिचा, मैंने बहुत सारी सीरीज, वेब सीरीज जो मेरी छूटी हुई थी उनको पढ़ी थी, मैंने करीब 8 किताबें पढ़ी जिनमें से एक भगवत गीता भी थी, एंड आई एम नॉट अ वेरी रिलीजियस पर्सन, आई एम मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ चीजें समझ आई कुछ चीजें नहीं समझ आई, लेकिन आई थिंक दैट्स अ जर्नी, वो तो हमेशा इट्स अ जर्नी। मैंने एक इंस्टाग्राम पे व्लॉग सीरीज शुरू किया, फिर एक स्क्रिप्ट लिखी, तो बड़ा प्रोडक्टिव सा ईयर रहा, आई थिंक कोई भी मुश्किल हालात में सीख यही होती है कि आप उसको कैसे उसका पॉजिटिव आउटकम आप निकाल सके, और हाउ डू यू मेक बेस्ट ऑफ योर वर्स्ट, आई थिंक, एंड फॉर एवरीवन एल्स हु हैड अ टफ ईयर, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, आई थिंक एवरी टाइम देयर इज अ रोड ब्लॉक we always evolve as a person, so take this positively aur usse evolve hoiye, make a better version of yourself and your environment, I think it's been a great year for the environment, so I think ab kitne sare hum readings aur meetings zoom call pe kar sakte hain, hame pata hai online calls pe kar sakte hain, iske liye hum pehle milte the bahut sare log, ab unko pata hai ki work from home bhi ek option hai, in fact bahut sare handicapped people, you know Richa, नहीं मिलता था ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनीज में, नाउ बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम अ लॉट ऑफ हैंडीकैप पीपल, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल आर गेटिंग टू गेट वर्क, व्हिच इज ग्रेट, आई थिंक यू नो यू नीड टू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। श्वेता मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी कि आई थिंक आप भी बिजी हैं, तो अरे लीजिए ना कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि ताश्चन के साथ टाइम पे भी जब हम मिले थे तो हमने खूब सारी बातें करी थी, आई थिंक आपको याद होगा जब हम ऑफिस में आए थे उधर, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, अभी जो अनलॉक पीरियड चल रहा है इसमें काफी चीजें अनलॉक हो चुकी है, लोग नॉर्मल लाइफ में, न्यू नॉर्मल जैसा कि कहा जा रहा है, इंडियन सिनेमा को आप कैसे देखते हो, क्योंकि पिक्चर हॉल्स वगैरह थिएटर्स वगैरह अभी नहीं खुले हैं और काफी लॉस में हो रही है इंडस्ट्री, आपको क्या लगता है कि क्या ये खुलना चाहिए जल्दी, और अगर खुलेगा तो कैसे खुलना चाहिए, मतलब और नहीं जल्दी मतलब जब खुलना चाहिए वो तो आई थिंक जो है वहाँ पर अथॉरिटीज वो सही समझेंगे कब खुलना चाहिए, मॉल्स या जो जो भी पब्लिक स्पेसेस हैं वो कब खुलेंगे, तो लेकिन आई थिंक जब भी खुले पीपल विल गेट बैक टू थिएटर, शायद
वैक्सीन एक बार आ जाए तो लोग साइकोलॉजिकली यू नो थोड़ा सा सुकून में रहेंगे. आई थिंक मोर देन द वायरस देयर इज अ लॉट ऑफ हवा जो मचा हुआ है ना, लोगों में डर काफी हो गया है. जो मतलब कुछ भी अपनी भी अपने शरीर को भी छू रहे तो हजार बार सैनिटाइज कर रहे हैं. तो वो एक देयर इज अ लॉट ऑफ फियर इन पीपल्स माइंड मोर देन द वायरस एंड इट शुड बी. प्रिकॉशन तो लेना ही चाहिए. तो आई थिंक जब ये थोड़ा सा सब शांत हो जाएगा माहौल, आई थिंक पीपल विल गो बैक टू द थिएटर्स. थिएटर्स कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो टीवी आया था तब भी लोगों ने कहा था, वीसीआर डीवीडीज आए थे तब भी कहा था, ओटीटी भी आया था तो कहा था कि अब थिएटर पर. ऐसा नहीं होता. कुछ फिल्में हैं जो आप थिएटर में ही देखना चाहेंगे. आप बाहुबली शायद फोन पे ना देखना चाहेंगे, मैं तो नहीं देखूंगी, है ना. आप मैड मैक्स फ्यूरी रोड या तो कोई भी वैसी फिल्में, इंटरस्टेलर और ग्रेविटी, आप 3D IMAX का अलग मजा है. मैं अपने घर लैपटॉप फोन में तो अपने 55 इंच के टीवी पे भी ना देखूं. आई वुड स्टिल वांट अ थिएटर एक्सपीरियंस. तो आई थिंक क्रिकेट मैच जैसे कई लोग अपने घर पे बैठ के देखते हैं, लेकिन कई लोगों को स्टेडियम का मजा आता है, राइट. स्टेडियम पे लाइव मैच देखने का मजा आता है. आप घर पे भी यूट्यूब पे म्यूजिक कॉन्सर्ट देख सकते हैं, लेकिन लाइव पंडित बिरजू महाराज को देखने का अलग मजा है ना. तो वो तो आई थिंक हमेशा रहेगा. एंड व्हेनेवर वी गेट बैक आई एम श्योर पीपल विल गो बैक टू थिएटर्स. एंड पीपल हैव आल्सो रियलाइज्ड दैट ओटीटी इज अ ग्रेट, यू नो, इट्स अ ग्रेट अल्टरनेटिव स्पेस फॉर एंटरटेनमेंट जस्ट लाइक थिएटर इज और एनी अदर. यूट्यूब पे भी कई लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, उससे भी मनोरंजन करते हैं. तो थिएटर का स्पेस अपनी जगह रहेगा और ओटीटी इज जस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग. जिन्होंने अभी देखा नहीं है वो क्यों देखे, किस लिए देखे और कितने एपिसोड्स हैं, आप सब जरा प्लीज बता दीजिए. हाय एवरीवन, सबसे पहले तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. मुझे बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे गुड विशेज और कंग्रेचुलेशंस विशेज आ रहे हैं हॉस्टेजेस के लिए. Thank you for all the love. And if you have not seen it, it's streaming on Disney Plus Hotstar VIP. 9 September ko, yani ki kal parso release ho chuka hai. So please dekhe. 7 languages mein available hai, Indian languages mein. With subtitles. So please do watch it. Bahut hi entertaining hai. Bahut hi thrilling hai. Every seat entertainment hai. And looking forward to your feedback. Thank you very much. Thank you, Richa. थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. होपफुली हम नेक्स्ट टाइम आमने सामने बैठ के बात करें अगर सब अच्छा रहा तो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. स्टे सेफ श्वेता, घर पे रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग. बाय. थैंक यू रिचा, यू टू टेक केयर एंड स्टे सेफ. या थैंक यू सो मच. बाय 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 बाय.